हमने कर लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली। सेंचुरी मनाली में आ गए हैं। यहाँ पे कोई नहीं हमारे अलावा। हेलो, बताएंगे कि कोई भी आर एंजॉयिंग वाइल्ड लाइफ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शांत लोग आज का डे कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है और ये एनर्जी से भरा पूरा ब्रेकफास्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं एक और ट्रिक पे। तो आगे की कहानी नाश्ता के बाद। तो आज का दिन की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं, मस्त वाला नाश्ता हो गया है और आप ये मेरा लुक देख के बताओ कि पूरा जो हिमाचली लुक में आज हम निकले हैं, आप कैसा लग रहा है ये तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये मेरा पूरा हिमाचली वाला थोड़ा सा अपर वाला लुक कैसा लग रहा है। तो हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत, यू आर वाचिंग रोड एंड व्हील्स। और आज फिर हम निकल पड़े हैं एक दो तीन किलोमीटर दो तीन घंटे का ट्रैक पे। दो तीन घंटा का ट्रैक है। हाँ, हमारे दो साथी पहले से जाके वहाँ पे बैठे पड़े हैं, अब हम और चार लोग उनको वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। एक खिला सकते हो बट तोड़ू कैसे? तो भाई ये अलग एक्सपीरियंस था। बताता हूँ, जबरदस्त मीठे हैं भैया, टेस्ट करके देखो। वो हो ऐसे से मैंने आज तक नहीं खाए, कसम से जबरदस्त। वीडियो के लिए नहीं बोल रहा सही में, ये जो सेव है ना इतना मीठा सेव मैंने आज तक लाइफ में नहीं खाया। तो ये देखो हमारे पीछे जितना भी आप पेड़ वेड़ देख रहे हो ना, सारा सेव का बगान है। और बिकॉज किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा तो हम लोग यहाँ से सेब तोड़ के तो खुद से खा नहीं सकते, वहाँ पे तो अंकल से हमने मांग लिया था। ओके, और थोड़ी सी सांस फूल रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली। सेंचुरी मनाली में आ गए हैं। सो फाइनली अभी हम लोग ना लगभग एक घंटे की ट्रैक करने के बाद पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली और अब हम चल रहे हैं इसके अंदर और अब ना रियल ब्यूटी स्टार्ट हुई है। ओके गाइस, मतलब फुल्ली एक्साइटेड फुल्ली ऑन। यार देखो मेरा क्या कहना है, there is something difference between tourist and travelers, है ना? and we are not tourist, हम लोग travelers हैं। और इस तरह trekking के मजे लेते हुए हम एक भी सुनसान जंगल के में कहीं पहुंच चुके हैं and thanks to मनी भैया and आयुष भैया जिन्होंने हमें यहाँ लेके आया। ओके, अच्छा लगे आप लोग यहाँ आइए। मनाली सिर्फ मॉल रोड जोगनी फॉल्स हिडन टेम्पल नहीं है, मनाली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ ये बहुत ही पीसफुल है, माउंटेंस दिखते हैं आपको, पूरा मनाली वैली का नीचे व्यू आता है। और जब आपको हाइकिंग का शौक है तो बिल्कुल इस प्लेस पे आइए। हिडम्बा टेम्पल से ऊपर 2 किलोमीटर के राउंड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको बोर्ड मिल जाएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। बैक टू यू प्रशांत। और सिर्फ हम यहाँ पे अकेले हैं यार, थोड़ी सी फटी है चढ़ने में कोई भी, लेकिन इसके इसी के तो मजे। कोई भी नहीं है, बस हम लोग दो डॉग्स मिल गए हैं। हाँ, जो हमारे ट्रैकिंग पार्टनर्स बन गए हैं। बिल्कुल देखो, और कितने आराम से हम लोग साथ चल रहे हैं। हाँ, इनको नीचे जाके बढ़िया चिप्स खिलाएगा। बहुत ही अच्छे डॉग्स हैं, चुपचाप साइलेंटली।
ओके सो ये नहीं बोल सकता कि फाइनली हम रीच कर गए हैं क्योंकि ये कहीं बीच का ही है, इससे आगे भी लोग से अराउंड 5 किलोमीटर के अराउंड यहाँ से हमारा जो ट्रैक है जो ट्रैकिंग स्पॉट है इसका नाम है लामाडोग वो यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर ऊपर, लेकिन वेदर आज परमिट नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम लोग इस प्लेस को एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमेशा जर्नी को एंजॉय करना चाहिए और ये बड़ा नाइस और कोजी स्पॉट है। हम लोग यहाँ पहुँच गए और फुल मूड में है और व्यू देखिए पीछे कितना ऑसम है। और सबसे मस्त चीज ना कि सिर्फ हम है यहाँ पे कोई नहीं है हमारे अलावा। हेलो Nobody is here. तो जो ठंड के दिनों में ना हम हजारीबाग में झील के किनारे किया करते थे, आज थोड़ी सी मस्ती मजाक में सीन बन गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी थोड़ी सी छोटी सी बोनफायर करने का। देखिए जिंदगी का मजा छोटी छोटी चीजों में ही है। ओके यहाँ पे हम लोग आग ताप रहे हैं, थोड़ा ठंड लग रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बॉनफायर इधर ही कर लीजिए एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। और मनी ने पूरी बढ़िया से लाइटर से आग जला दी है। मनु जी यहाँ पे एकदम सर्विस कर रहे हैं हम लोगों का एकदम बढ़िया। यहाँ पे सूखी घास लेके आ रहे हैं और हैप्पी पाजी का आइडिया था बहुत बढ़िया और हम लोगों ने फिर इम्प्लीमेंट कर दिया फाइनली। प्रशांत जी बोलिए कुछ, क्या लग रहा है? और प्रशांत भैया तो भाई पूरा इंजॉय ले रहे हैं एकदम ठंड का, तो लेकिन हाँ मजा आ रहा है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा धुआं है 5 मिनट के लिए, उसके बाद आग लग जाएगी ना। और भाई 4 बजे हम लोग नीचे निकल जाएंगे, हम लोग यहाँ से आधे घंटे में निकल लेंगे। हाँ आधे घंटे में निकल जाएंगे क्योंकि अंधेरा पड़ना शुरू हो जाएगा, एक्चुअल में पहाड़ी है तो ठीक है, आग लग चुकी है पूरी। और ये देखिए पूरा सर्विस है। तो ये है मुंडियालू गीत मेरे याद जिवे स्कूल की किताब, इसका मतलब है कि लड़कों को मेरे गीत ऐसे याद है जैसे स्कूल की किताबें लोगों को याद होती हैं। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿੱਟ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈ ਲੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨੋਟ, ਲੋਕੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਾ ਬਈ ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਨਾ ਲਿਖਾ ਪੇਪਰ ਚ ਨਸ਼ੇ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ, ਬੱਲੇ ਆ ਮੁਕਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਪੱਲੇ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋਈ, ਮਾਰਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਹਲੀ ਆ, ਦੇਖ ਚੀਟੀ ਰੋੜੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੇ ਚ ਹਵੇਲੀ ਐ, ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਦਾ, ਟਾਈਮ ਨੀ ਉਹ ਦੌਰੇ ਆਇਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦਾ। तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं यार, लेकिन प्लीज जो लोग भी ऐसे नेचर में आते हो ना कचरा मत फैलाया करो,
और अगर आप लोग आ रहे हो और थोड़ी बहुत कचरा देख रहे हो ना, तो खुद से उठा के ले आए हो, अगर इसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं है।